असी कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.6 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल एक बेलनाकार बर्तन के आधार का परिमाप साडे को 132 सेंटीमीटर दिता गया है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है असी दसना है। सो सब तो पहले देखो साडे कोल एक बेलनाकार बर्तन है, सो जो भांडा है वह सिलेंडरिकल टाइप का है। सो जो भी थानू कोई भी क्वेश्चन दिता गया है सब तो पहला उसकी फिगर आ जी उसनू जरूर तुसी ड्रॉ कर लेना है। सो जिस तरह देखो असी ये सिलेंडर जिहड़ा है वह बना रहे हैं, जिहड़ा बर्तन है साडा जो यूटेंसिल है वह सिलेंडरिकल है। सो हुण इस दे विच देखो साडे कोल हाइट एंड रेडियस जिहड़े दिते हुंदे हन ये साडा हुंदा है साडा रेडियस अते ये जो है साडी ये की हुंदी है साडी हाइट होंगी है। हम देखो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई जी हाइट है साढ़े को है 25 सेंटीमीटर। सो इस बेलनाकार बर्तन के आधार का देखो ध्यान दो सू क्या आधार का परिमाप क्या होया है। हम जेकर असं इसका आधार वेखिए सिलेंडर का जो आधार है वह चक्कर जो बन रहा है। सो ये साढ़े को किस तरह चक्कर होएगा पूरा जो असं सिलेंडर पूरा खोल देंगे तो सिलेंडर देखो तो वह तल जो होंगे तो वह तल जो होंगे है वह एक चक्कराकार होंगे है। हुण ये की हो गया इसका परिमाप जो हो गया यह साढ़े को बराबर कि हो जाता है चक्कर का परिमाप जिसन असी सरकमफ्रेंस बोल दें। हुण चक्कर का सरकमफ्रेंस जिहड़ा किहदे इक्वल इक्वल टू हुंदा है बराबर 2πr। हुण इहदा मतलब होया कि जो साडे कोल 2πr ये सरकमफ्रेंस है इसकी जिहड़ी वैल्यू है वह साडे कोल किन्नी दित्ती गई है 132 सेंटीमीटर। सो असीं की करदे हां 2πr इज इक्वल टू करदे हां 132 सेंटीमीटर। हुण सिलेंडर दे विच देखो असीं वेख्या कि h हुंदा है ते r हुंदा है। हुण h दा साडे कोल गिवन है r नहीं है जिसका मतलब असी आर जो है इस फॉर्मूले तो फाइंड करांगे। सो ये किस तरह सानू पता लगता है कि असी आर फाइंड करना है। देखो दो भी कॉन्सटेंट टर्म है साडे कोल, दो भी एक नंबर है साडे कोल कॉन्सटेंट है ते जिहड़ा पाई हुंदा है पाई की वैल्यू साडे कोल किन्नी हुंदी है 22/7। सो ये भी कॉन्सटेंट है, सो ये भी दोवें साडे कोल कॉन्सटेंट टर्म हैं। सो रह गई साडे कोल आर जो वेरीएबल टर्म है इसनों असी फाइंड करांगे। सो साडे कोल बनता है 132/2 नाल आ गया पाई नाल आ गया सेंटीमीटर। सो दो एकम दो, दो छिके 12 ते दो छिके 12 साढ़े को आ गया 66। सो हुण 66 आ गया इहदे नीचे साढ़े को आ गया पाई नाल आ गया सेंटीमीटर। हुण 66 पाई की वैल्यू कि 22/7 हुण जो 7 है उपर चल जाएगा तो 22 जो नीचे आएगा 22 एकम 22 तो 22 66। सो साढ़े को देखो फाइंड हुंदा है तो साडा जो आर है कि निकल आता है 70/21 सेंटीमीटर। देखो साढ़े को आर भी आ गया तो उस बर्तन का तो हाइट साढ़े को पहले ही दिती गई है। हुण असी वेखना की है दसना की है कि इहदे विच किन्ने लीटर पानी जिहड़ा वो आ सकता है। इत्थे लिखदे हां बर्तन विच जिन्ना पानी आ सकता है। हुण देखो बर्तन च पानी दस रहे कि असी किन्ना आ सकता है इहदा मतलब उहदी कपैसिटी दस रहे हैं। जदों असी कपैसिटी की गल करदे उहदे विच किन्नी मात्रा है उहदी किन्नी धारण समर्था है तो वह साडे कोल बराबर आ जाती है बर्तन जां सिलेंडर का आयतन। सो इट मीन साडा की आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो जिहदा फॉर्मूला साडे कोल हुंदा है पाई आर स्केयर एच। हुण असीं इह फॉर्मूला जिहड़ा उह लगावांगे ते अपना जिहड़ा आयतन है असीं उसनूं फाइंड करांगे। तो साडे कोल देखो की आंदा है पाई की वैल्यू 22/7 आर किन्ना है साढ़े को 21। सो उसनों असी लिखते हैं 21 × 21 हाइट किन्नी है साढ़े को 25। हुण देखो साढ़े को जो भी वॉल्यूम की गल हुंदी है तो जे सेंटीमीटर दिता है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है और जे मीटर हो मीटर क्यूब कोई भी डिमेंशन हो साढ़े को क्यूब के आ जाती है। देखो सेंटीमीटर 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 तीन बार आया ना मल्टीप्लाई होता उसकी पावर किन्नी होगी 3। सो 7 × 7 = 7 × 3 = 21 कैंसल हो गया साडे को। हुण देखो 22 नूं 3 नाल गुणा करो साडे को आ गया 22/66 21 नूं 25 नाल गुणा करनी है साडे को 25 एकम आ गया 25 5 2 कैरी ध्यान च रखना कि 2 साडे को हंस लांदा है 25 गुणा 50 ते 2 किन्ने आ गए
52 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया साढ़े को। हुण एक थानू जदों ये गल की है कि इस दे बर्तन विच किन्ना जिहड़ा पानी आ सकता है, समा सकता है, उसके लिए एक कंडीशन दी गई साढ़े को कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर बराबर है 1 लीटर। यदा मतलब जोड़ा असी आंसर है, जवाब है, वह लीटर दे विच देना है। सो इतने लिखते हाँ, इसलिए लीटर विच बर्तन दा आयतन। सो लीटर विच कढ़ा गया ही सेंटीमीटर क्यूब है साढ़े को। सो ये आ गया 66 मल्टीप्लाई 5 टू 5, डिवाइड कर देंगे असी 1000 जो भी सेंटीमीटर साढ़े को देना। इतने ध्यान दे, जो स्केयर नहीं साढ़े को क्यूब है, देखो इतने साढ़े को आ गया सेंटीमीटर क्यूब, इधर भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कैंसल हो गया। सो हमने सामने जो आंसर है वो लीटर देगा। किस तरह लीटर च आंसर देगा देखते हाँ। देखो 5 2 10 नाल 2 0 आ गई साढ़े को, इधर देखो 5 एकम 5 अगर 25 है, 0 लगेगा, 5 5 25 तो साढ़े को आता 66 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय साढ़े को 200 नाल लीटर। फिर देखो 5 4 20 0, 5 2 10 1, 21 आ गया साढ़े को। सो इस साइड से देखो 2 ना करो 20, तो इधर आ गया साढ़े को 33। हुण देखो साढ़े को 20 जिहड़ा वो अलग टेबल दे विच आ रहा है। सो ये जिहड़ियां वैल्यूज ने इस दे डिफरेंट फैक्टर हैं। सो हुण साढ़े को जिहड़े आ कटिंग है जां कैंसलेशन है वो नहीं होवेगी। सो असीं की करते हैं, साढ़े को आ जाएगा 33 × 21 डिवाइड बाय 20 लीटर। सो देखते हैं इसका आंसर की बनेगा साढ़े को। 33 को 21 ना मल्टीप्लाई करेंगे, पहले असीं 21 दिया 63, 63 आ गया, 6 आ गया साडा कैरी, 21 3 जा फिर 63 आएगा, उस दे विच असीं 6 नूं ऐड करांगे 69 आएगा साढ़े को। ये आ गया नीचे साढ़े को 20 लीटर। हुण असीं इस नूं डिवाइड करांगे तां देखांगे जिहड़ा साडा आंसर है वो की आंदा है। सो 693 डिवाइड बाय 20, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80। सो 3 टाइम गया साढ़े को आ गया 60। सो ये आ गया 93। सो 24 जा साढ़े को आ गया 80। सो फिर माइनस कर दे साढ़े को आ गया 310। सो 3 1 1 3 0 आ रहा है, 26 का साढ़े को आएगा 120। हुण ध्यान हुण साढ़े को आ गया 130। सो 26,000 ते एक देखो इतने जी जीरो अपने को लगाया, इस तरह इस दे नाल साढ़े को पॉइंट आ जाएगा। सो 26,000 साढ़े को आ गया 120, फिर साढ़े को 10, 10 फिर लगाते हैं 25,100। सो इतने आ गया 5, तो साढ़े को आंसर की बन जाता है 34.65 लीटर। सो 34.65 लीटर जिहड़ा है उस बर्तन की जिहड़ी कपैसिटी है या उस दे विच जिहड़ा पानी है वह आ सकता है। सो इसी साडा एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो उम्मीद कर रहा है क्वेश्चन जो तुम्हें क्लीयर हो गया होगा, जेकर वधिया लगा लाइक करो, दूजे बच्चों तक शेयर जरूर करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास नैक्सट क्वेश्चन देगा।